हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग घर पर पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, रोम किस से बनी होती है? ऑप्शन ए प्रकाश विद्युत सेलों से, ऑप्शन बी मैग्नेट टेपों से, ऑप्शन सी अर्धचालकों से, ऑप्शन डी एकीकृत परिपथों से IC से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी एकीकृत परिपथों से, यानी कि IC से, क्योंकि रोम एकीकृत परिपथ यानी कि IC से बनी होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी एकीकृत परिपथ से। दोस्तों, अब बारी है आज के प्रश्न नंबर दो की। तो दोस्तों, आज का प्रश्न नंबर दो है, निम्न में से कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी RD रैम, ऑप्शन सी SD रैम, ऑप्शन डी रैम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए रोम, क्योंकि रोम को ही स्थायी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों।